जब से क्षेत्र पर यहाँ आगमन हुआ तो महावीर जयंती के लिए आए थे, और महावीर जयंती के बाद हनुमान जयंती आ गई। फिर हमने बोला हनुमान जयंती के बाद अच्छा हम भी हनुमान बने, इसलिए 12 भावनाओं पर अपन चिंतन प्रतिदिन कर रहे थे। 12-13 प्रवचन हो गए विगत दिनों में, और अपन ने जाना कि भावना भव विकासनी है तो भावना भव नाशनी भी है। भावना भव नाशनी, यद भाव्यते तद भवति, जैसा हम भाते हैं वैसा ही, यही थॉट्स बिकम थम थिंग्स, ये आपको विदेश से मिल गया, उधर से जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। ये क्या है? ये हमारा ही यहाँ से गया हुआ है, यहाँ यहाँ है यद भावते तद भवति, और वहाँ पर है थॉट्स बिकम थिंग्स। बस इतना ही, आपको वो चीज़ पसंद आ गई, यहाँ वाली आती नहीं है, क्योंकि ये हमारी भारत की है, घर की तो फिर वैसे ही लगती है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं, आप लोग यदि चाहें तो इसी के बल से केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी हम सबको, अपने आप को। हमारे यहाँ प्रतिदिन अपन आचार्य श्री जी की पूजन में क्या बोलती है, रग में भावों की निर्मल सरिता में, वहां पर भावों की निर्मल सरिता बोला, बोलो। और वो भी अवगाहन, उसमें ऐसे नहीं उसे ही थोड़ा छीटा छाटी दे लिया। अवगाहन का मतलब क्या होता है? बिल्कुल डूब जाना। यदि उन 12 भावनाओं में अपन डूब जाएं तो कोई टेंशन, कोई अवसाद, कोई अपेक्षा, कोई मोह, कोई अज्ञान रूपी अंधकार, कुछ भी नहीं रहेगा। बस ये हमें वर्तमान के जो स्ट्रगल हैं इनमें संबल प्रदान करने का, यदि कोई प्रबल कारण मानता हूँ तो मैं इन 12 भावनाओं को मानता हूँ। इन 12 भावनाओं के माध्यम से हम अपने आप को बहुत ऊंचा उठा सकते हैं। और यदि मान लीजिए अशुभ भावना तो भाई रहे, यदि आप शुभ भावना नहीं भाएंगे तो अशुभ में तो कितना चिंतन जा रहा है अभी आपको बता देंगे। आज जो आया है वो अपने आप को लकी समझेगा या पुण्यशाली है, क्योंकि हमने सोचा नया न देने से हमारे गुरु जी का एक सिद्धांत है, बहुत नहीं बहुत बार पढ़ो। क्या बोला? बहुत नहीं बहुत बार पढ़ो। आज पंकज जी आए हैं मुंबई से, हमने बोला पूरी 12 भावनाओं को एक ही दिन में अपन पूरा दे देते हैं, ताकि उनको 12-13 प्रवचन का निचोड़ सार 20 मिनट में मिल जाएगा। तो ऐसी भावना, और अपना भी रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि अनुप्रेक्षा का मतलब ही यही है, मुहुर मुहुर चिंतनम अनुप्रेक्षा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में बार 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 चिंतन, आप लोग भी चिंतन तो करते हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या किसी ने आपको गधा बोल दिया, अब सुबह से शाम तक आप अपने आप गधा ही बोलते रहेंगे, उसने मुझे गधा बोला ना, उसको देख लूँ मुझे गधा बोलता है, देख लूँ गधा बोलने का फल क्या, मुझे गधा बोला उसने, देखता तो हूँ मुझे गधा बोलने का परिणाम क्या होगा उसको बता दूंगा। उसने तो एक ही बार गधा बोला था, और आपने अपने आप को सुबह से शाम तक कितना बार गधा बोल लिया, बोलो। ये भावना भा रहे कि नहीं भा रहे? ये नहीं भाना है, जो बताइए वो भाना है, 12 भावना। इसलिए अशुभ की तरफ तो अपन जरा सा बस बिल्कुल विस्फोट होने में टाइम नहीं लगता, इस प्रकार से हम उसी उसी में उसी उसी में उसको दुश्चिंतन बोलते हैं आएगा। तो जैसे मैंने बोला था पहले कि भूमिका में कि आयुर्वेद में पुट दिया जाता है, सहस्त्र पुटी है ना, सत पुटी, इस प्रकार से वो पुट क्या है, वो भावना है। आप लोग पेंटिंग करते हैं, आचार्य श्री जी बोलते हैं पेंटिंग करते हो, एक पेंट एक पुट हो गया, दूसरा फिर और देते हैं तो उस पर कितना निखार आता है, फिर तीसरी बार एक हाथ और फेर देते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसी प्रकार से ये भावना भी प्रतिदिन
अपन पेंटिंग का काम करती है, जितना 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 अपन करेंगे उतना उतना और हमारा यही सर जो आत्मा है उसमें निखार आता जाएगा, निखार आता जाएगा। तो पहली भावना कौन सी थी बोलो? अनित्य भावना, ठीक है ना, अनित्य भावना। उस अनित्य भावनाओं में हमने बताया था कि अनित्य संसार में सब क्षणभंगुर है, विनाशी के, और उस अनित्य भावना के चिंतन के माध्यम से हमने बताया कि कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम अपने अहंकार को। चार चीज़ों को कंट्रोल करने की बात मैंने की थी, आज वही 12 भावनाओं में हमने चार चार बातें क्या की थी वो पूरी एक नज़र में आपके सामने रख देता हूँ, ताकि आप पूरा का पूरा एक बार उसको रिवाइज भी हो जाएगा और अपने अंदर में दिल दिमाग में बैठ जाएगा। तो कंट्रोल उन चार चीज़ों को, अहंकार को कंट्रोल करना है, फिर आसक्ति को कंट्रोल करना है, आकुलता को कंट्रोल करना है, और अवसाद डिप्रेशन जिसको बोल देते हो आप वह उसको कंट्रोल करना है। तो संसार को अनित्य भावना का चिंतन करो, ये अनित्य भावना आपको उससे तुरंत बचा देगी। काय काय से रिपीट करो, पहला अहंकार, दूसरा आकुलता, तीसरा आसक्ति और चौथा अवसाद, ठीक है ना। इन चार से अपन को यह बचाती है अनित्य। अनित्य भावना में केवल हमने आत्मा की जीवन की नश्वरता का ही चिंतन नहीं किया था, बल्कि आत्मा की अविनश्वरता का भी चिंतन किया। संसार में सब क्षण भंगुर हैं, लेकिन ऐसा भी कोई है जो नाशवान नहीं है? हाँ है। क्या है वो बोलो? वो है आत्मा, जो जल नहीं सकता, जो कट नहीं सकता, जो मिट नहीं सकता, जो फूट नहीं सकता, जो टूट नहीं सकता, वो है आत्मा। ये किसने बताया? ये अनित्य भावना ने। हमारे यहाँ आचार्यों ने एक भावना के साथ में, जैसे अगली भावना असरण भावना है, कि केवल असरण भावना यही बोल रही है कि संसार में कोई शरण नहीं। हाँ, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते बचाने को बचावे न कोई, ऐसा नहीं। हाँ, कोई नहीं है शरण, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, संसार में शरण नहीं है। लेकिन यदि शरण ही चाहते हो तो धर्म शरण है, संसार में ही शरण चाहते हो तो पंच परमेष्ठी शरण है, चत्तारी शरणम पवज्जामि, आप लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं। तो ये तो शरण है, ऐसी बात नहीं है कि शरण नहीं है। अनित्य भावना में एक बात हमने कही थी कि इंसान गलती पर गलती कर रहा है और धूल चेहरे पर है और आईना साफ कर रहा है, आईना साफ कर रहा है, धूल चेहरे पर जमी है तो चेहरा साफ करो ना। आईना साफ करने से काम नहीं चलेगा, अपने चेहरे पर धूल है, आत्मा पर धूल है, हम उसको यानी देखें तब हमारी है अनित्य भावना सार्थक होगी। असरण भावना भी हमें चार से मुक्ति दिलाती है, और वो चार थी आशंका, अपेक्षा, अंधविश्वास और असावधानी। रिपीट कर रहा हूं, आशंका यानी डर, भय। जब असरण भावना का चिंतन करते हैं तो हमारा भय खत्म हो जाता है, आशंका नहीं रहती, हम निडर होते हैं। डर कब लगता है? अरे हमारा ऐसा हो जाएगा, हमें वैसा हो जाएगा, है ना। और मृत्यु का भय, सप्त भय के बारे में मैंने बताया था कि मृत्यु का भय, इलोक भय, परलोक भय, वेदना भय, त्राण भय, इन आकस्मिक भय। तो ये जो भय हैं, इन भयों से हमें यदि कोई मुक्ति दिलाने वाली भावना, असरण भावना का चिंतन करेंगे, फिर आशंका के बाद में अपेक्षा, हम दूसरों से अपेक्षा, जब कोई शरण दे ही नहीं सकता तो काय के लिए अपेक्षा रखेंगे हमें। और तीसरा अंधविश्वास, आदमी का माथा श्रीफल से भी ज़्यादा सस्ता हो गया, श्रीफल तो 20 रुपए में आता है, आदमी का माथा तो फ्री पॉकेट का है, कहीं पे भी जाके पटक देते हो, ये अंधविश्वास। असरण भावना यदि आप चिंतन करेंगे तो मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई, ये अपना आप आ जाएगा तुरंत दिमाग में, भैया कहाँ जाऊँ, कौन तंत्र मंत्र ज्योतिष वास्तु, ये इसको दिखाओ उसको दिखाओ, ये मकान ऐसा बना दिया, ये आयुर्वेदाचार्य को बुलाओ उसको बुलाओ, कोई भी नहीं। हाँ, कोई भी यानी साथ नहीं दे सकते, असरण भावना ही बता रही है हमको, केवल मात्र पंच परमेष्ठी शरण है इस प्रकार से। और अंतिम है असावधानी, असावधानी से बचाने वाली है, तो वो है असरण भावना, ये कहती है नहीं, तुम हमेशा जागृत अवस्था में रहकर अपना काम करो। और उसके बाद में अगली भावना
संसार भावना, तीसरी भावना थी संसार भावना। संसार भावना में अपन ने जाना था, चार शब्द दिए थे मैंने, भागना, भोगना, जागना और त्यागना, ये चार शब्द हैं। संसार से भागो मत और संसार को भोगो मत, ये संसार भावना कहती है। संसार से भाग कर कहाँ जाऊंगी, ये तो वैसे ही है कि जंगल में आग लगी और बंदर एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया, मुझे कोई जला नहीं पाएगा। हाउ, अरे जंगल में आग लगी है तो पेड़ भी तो जलेगा ना, समझ में आ रहा है। तो संसार से सुख पाना ऐसा ही सुख है, इसलिए संसार से भागो मत और संसार को भोगो मत, संसार में जागो। जैसे ही आप जाग जाएंगे तो संसार को त्यागने में आपको फिर मेरे उपदेश की भी जरूरत नहीं है। हम नहीं बोलेंगे भैया ये नियम ले लो, चार दिन बोरिंग का, क्या बोलते हैं आप, कुएं के पानी का नियम ले लो, एक महीने में चार दिन ही सही, ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। क्यों? उसे मालूम है कि संसार में सर्वत्र केवल मात्र दुख ही दुख है, सुख कहीं पर भी नहीं है। उसके बाद में एकत्व भावना चौथी भावना थी, उसमें मैंने चार प्रकार के एकत्व की बात पहले की थी कि आप लोग कैसे देखो एकत्व की भावना भाते हो संसार में, कि एक तो विद्वेष रूपी एकत्व है ना, विद्वेष में कैसा, बेटे की बाप से नहीं बनी, मैं न्यारा होऊंगा, मेरा चूल्हा न्यारा, मेरी पत्नी न्यारी, चलो अलग बनाने लगा, अलग खाने लगा, तो पिताजी अब एकत्व भावना भा रहे हैं, अरे संसार में कोई किसी का नहीं, समझ में आ रहा। बेटी की बड़े अरमानों से शादी की, ये क्या है आपका दूसरा प्रकार का एकत्व है, जो है बिछोजन्य एकत्व। एकत्व बिछो यानी किसी का बिछो हो रहा है, अब बेटी ऐसा नहीं है कि जाना नहीं है, लेकिन जाना है, लेकिन दिल में अब जाने के बाद कैसी अनुभूति होती है माता पिता से पूछ लेना, जो प्राणों से प्यारी लाडली होती है, जब लाडो को विदा करते हैं उसके बाद में लगता है कि लाडो से खिलाया तुझे पिलाया मैंने, 20 साल 22 साल तक अपनी गोद में, यानी जो है हर तरह से मैंने तेरे सुख की चिंता की, लेकिन आज अब तू जो है छोड़ के जा रही है, तो देखने वाला भी फिर उस समय एकत्व की भावना ही बहता है। फिर उसके बाद में वियोगजन्य एकत्व है ना, कोई अपना प्रिय है वो छूट गया अपन से, तो ये कैसा है वियोग, शमशान घाट में कैसा होता है वियोगजन्य एकत्व, अरे भैया सबका यही होना है। हाउ, उधर आके स्नान करेगा, उसके बाद में वहीं की वहीं, चल भैया खोल ले दुकान, कहते नहीं वो तो गया सो गया, अपन को तो भोजन करना है ये। लेकिन चौथा एकत्व जो था वो विवेकजन्य एकत्व, इसकी बात मैंने करते हुए आप लोगों के सामने कहा था कि चार बात, कि साथ देता नहीं पहली बात, और साथ देने वाला नहीं, एक तो कोई साथ देता ही नहीं मेरा ऐसा रो रहा है, और भैया मेरे घर में कोई साथ देने वाला ही नहीं है, क्या करें अब, कोई नहीं है, सब चले गए, और तीसरा साथ दे सकता नहीं और साथ चाहिए ही नहीं। बोलो ये एकत्व है, पहला है साथ देता नहीं, साथ देने वाला नहीं, खराब है, ये दोनों भावना मत भाओ, साथ दे ही नहीं सकता कोई, ये भावना सही है एकत्व है, और दूसरा साथ चाहिए ही नहीं, वो और ऊपर की बात हो गई है। उसके बाद में अन्यत्व भावना के अंदर अपन ने चार बातें करते हुए हमने कहा था कि अपन रोज प्रतिदिन चार प्रश्न अपने से आपसे करें कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं मुझे क्या करना चाहिए। फिर से रिपीट, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, और मुझे क्या करना चाहिए। यह अन्यत्व भावना जो भेद विज्ञान को दृढ़ करने वाली है, उस दिन अन्यत्व भावना के लिए आपसे बात तो करना था लेकिन समय पूरा हो गया था, और समय तो आज भी पूरा हो गया। एक प्रमाण सागर जी का बहुत अच्छा संक्षेप में वो संस्मरण सुना देता हूँ, किस प्रकार से अन्यत्व भावना भानी चाहिए साधु को भी और श्रावक को भी, जब आपत्ति विपत्ति आती है उस प्रकार की। कोलकाता से हम लोग मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद में 8 सिस्टर बोलते हैं, जैसे गुवाहाटी 7 सिस्टर है, ऐसे मुर्शिदाबाद मतलब वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल को 8 सिस्टर बोलते हैं, वहाँ पे 8 गांव हैं, उन 8 गांव में विशाल विशाल जनाले अपने हैं और समाज भी है काफ़ी। तो आपके धुलियान की तरफ बिहार हुआ हमारा, जो 200-250 किलोमीटर था,
लेकिन वो बांग्लादेश की बॉर्डर, उस तरफ बांग्लादेश, इस तरफ भारत, और गंगा नदी बीच में। और हम लोग जा रहे थे देवट ग्राम में, महाराज जी का बहुत सुपरहिट प्रवचन हुआ और काफ़ी लोग पैदल भी चल रहे थे, लेकिन एक प्लासी का जहाँ युद्ध हुआ, उस प्लासी के युद्ध के वहाँ पर रुकना था लगभग 15 किलोमीटर दूर, लेकिन उससे पहले ही कुछ धर्म विद्वेषी लोग आ गए और वहाँ पर केवल मात्र 50 लोगों की समाज का घर, वो गाँव था, छोटा सा गाँव था, बिल्कुल 4-5-10 घर, लेकिन 2000 लोग खंजर, हंटर, तलवारें सामने खड़े हैं, बिल्कुल सामने मौत नजर आ रही है और कुछ भी नहीं। तो महाराज जी तो बिल्कुल मौन, और पारसनाथ भगवान की जाप हम लोगों को करवा रहे थे, निकलते हुए धीरे 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 जाने लगे, तभी सामने से बस आई, उस बस के ऊपर से कुछ लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू किया ऊपर से, और पत्थर फेंकने में महाराज जी को पहले तो पीछे ऐसे कर ली उन्होंने, लेकिन फिर बाद में एक पत्थर, मोटा पत्थर था बहुत, वो लगा और ऐसा इतना बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल गड्ढा जैसा ही हो गया। हमने अपना आव देखा था, दुपट्टा था, ब्रह्मचारी थे हम, और वो दुपट्टा लगा दिया, और मैंने जीतू नाम का एक लड़का, उसका हाथ पकड़ा अपने हाथ से, और महाराज जी को बोला, महाराज जी मेरे हाथ पे बैठो आप, अब कुछ भी नहीं है, मुझे आपको यहाँ से निकालना कैसे भी आपको, और कोई उपाय नहीं हो सकता है। और हम जैसे कोई अंदर में देवी देवता आते हैं ना आप लोग, वैसे महाराज जी को हाथ पे बैठा के 1.5-2 किलोमीटर तक हम दोनों उड़ते हुए चले गए हवा में, बिल्कुल कोई को नहीं देखा हमने कि कौन क्या कर रहा है, कैसा है, कौन रह गया पीछे। एक चुल्लक जी भी थे हमारे पास, सम्मेट तुसागर जी, उनको, और उनको पना भी एक मुस्लिम वहीं के लोगों ने दी, उन्होंने अपनी दुकान में उनको बंद करके रखा। उधर से जब प्रणव मुखर्जी उस समय मुख्यमंत्री थे, सामने से मिलिट्री आई तो हमने एक ही बात बोली, महाराज जी उस समय मौन थे, हमने बोला कि हमारे कुछ लोग वहाँ फंसे हुए हैं, उनको आप निकाल दीजिए, और कोई बात नहीं है। 50 गाड़ियाँ मिलिट्री की एक साथ वहाँ पर पूरा का पूरा वो छावनी बना दिया, और जिस कॉलेज में रुकना था वहाँ पर महिला और ये आपके सशक्त बल RPF वाले, ये पूरे के पूरे उस कॉलेज को घेर के वहाँ पर हम लोगों को अच्छे सुरक्षित किए। तब महाराज जी ने ये अन्यत्व भावना का जो मैं बता रहा हूँ कि महाराज जी ने पूरी मीडिया वाले आए, उस समय तो पहले तो मौन रहे, वो किसी को कुछ नहीं बोलना था, लेकिन एक ही बात बोली कि नहीं, मेरा शरीर अलग है, मेरी आत्मा अलग है, और मेरा कोई विद्वेषी नहीं, किसी के प्रति मेरा कोई वैर भाव नहीं, ये भावना होती है एक दिगंबर मुनि महाराज जी, किसी के प्रति भी, वो उनका अज्ञान है, उन्होंने जैसा किया, लेकिन किसी के प्रति मेरी कोई। फिर लास्ट में 11 बजे तक जब वो हमसे बोले कि नहीं FIR दर्ज कराओ, कुछ लोग अरेस्ट करें, तब वो जाके कुछ 5-6 लोग गए और वहाँ पर वो हुआ। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब अपने ऊपर आता है तब हमें यह ये अन्यत्व भावना भाना है, और तभी कोई साथ देता नहीं, ऐसा है ही नहीं। हमारे जब शरीर ही अपना साथ नहीं रहेगा तो दूसरे की बात क्या, एकत्व से भी ऊपर की भूमिका है अन्यत्व। फिर अशुचि भावना, अशुचि भावना में 4 बातें अल्प समय में पूरी कर लेते हैं क्योंकि समय तो हो रहा है। चाम, काम, राम और धाम, इन 4 शब्दों पर हमने कहा था कि चाम को मत देखो, ये ऊपर का शरीर, आप इस चोला की ओर मत जाओ। जब आप इस शरीर की नश्वरता का भान करेंगे या शरीर की अशुचिता, यहाँ पर अशुचि भावना है, तो शरीर एक कड़वी तुमड़ी की भांति है, मैंने कहा था इसका उपयोग करोगे तो तर जाओगे और उपभोग करोगे तो मर जाओगे, इसलिए इसका उपयोग करो, उपभोग नहीं। आज उपभोग में ही सब लगे हुए हैं तो वो नहीं करना है। अशुचि भावना हमें यही कहती है। और उसके बाद में फिर थोड़ा सा बीच में 2-3 दिन का आप लोगों को विराम मिल गया था, तो भी आप लोग आकुल भी आकुल हो गए कि भाई आप महाराज जी, तो महाराज जी प्रवचन तो कर लो और बाकी कुछ मत कर लो, ऐसा थोड़ी, अब बैठ रहे तो बैठ रहे भैया, ध्यान में बैठे हैं तो हाँ, तो वो प्रवचन के लिए सब जनता बैठी है, पब्लिक बैठी, रोज जाते थे ऊपर वहाँ पहाड़ पर भी, 66 दिन तक भगवान महावीर स्वामी की देशना नहीं गिरी, जान रहे हो, तो इस प्रकार से। लेकिन फिर भी आप लोगों ने तो भरपूर दिया है। और फिर आश्रव भावना, आश्रव भावना में हमने कहा था कि आश्रव प्रतिपल 24/7 डॉक्टर साहब बैठे हैं, 2-3 डॉक्टर हैं, एक ही नहीं यहाँ पे तो, हाँ अस्पतालों में बाहर लिखा हुआ होता है 24/7। मैंने पूछा इसका मतलब क्या होता है, बोले 24 घंटे सेवाएँ उपलब्ध है और 7 दिन हैं। मैंने बोला हाँ आश्रव भी यही बोलता है हमारे यहाँ, 24 घंटा सेवा उपलब्ध, कौन रात में सो भी गए हो तो आपको आश्रव चल रहा है,
समझ में आ रहा है? तो उस आश्रव भावना में मैंने चार बात करते हुए कहा था, दुश्चिंतन, दुर्वचन, दुर्व्यवहार और दुष्प्रवृत्ति से बचेंगे तो हमारा आश्रव रुक जाएगा। और आपको श्रीमद् राजचंद्र जी का उदाहरण देके कहा कि नहीं, पांव बढ़ाते ही पाप लटता है और नजर उठाते ही जहर चढ़ता है और काल सिर पर सवार है। ये तीन बातें हमेशा याद रख लो, आश्रव से बच जाएंगे। संवर भावना, अगली भावना, आठवीं भावना, कि संवर से अपन को संवारना है जीवन, तो अपना लो, अपना लो अपने जीवन में संवर भावना। सुंदर बनाना है ना जीवन को, तो संवर भावना अपन को दर्पण देखने से नहीं संवार पाएंगे। उसमें चार बात करते हुए कहा, रोटना, रुकना, मुड़ना और मोड़ना। ठीक है ना, अभी मूड ठीक नहीं है, आजकल के बच्चे बोलते हैं ना, तो मोड़ दो, अपने मूड को मोड़ दो। बस मोड चेंज कर देते हो ना, FM नहीं सुनना हमें, अब बीबी भारती सुनता है, विविध भारती नहीं सुनना, अब BBC लंदन सुनता है। तो ये मोड़ दीजिए, ऐसे इस मूड को भी मोड़ने की कला आप लोगों को बताई थी। फिर निर्जरा भावना, निर्जरा में यही है कि जितनी जितनी आकुलता उतनी उतनी बंद, और जितनी जितनी निराकुलता उतनी उतनी निर्जरा। वर्तमान में भी निराकुल होना है तो चार शब्द दिए थे, आकुलता, निराकुलता और आसक्ति और विरक्ति। हाँ, आसक्ति से छूटने के लिए विरक्ति और आकुलता से छूटने के लिए निराकुलता। फिर लोट भावना में स्मृति, विस्मृति और सत्कृति, दुष्कृति। ये चार सबके माध्यम बताया जाएगा। हमारी विस्मरण शक्ति बहुत पावरफुल है, समझ में आया? क्यों? क्योंकि हम कल क्या खाए ये नहीं मालूम है, तो पहले की तो बहुत बात की बात है, लेकिन लोट भावना आपको ये बात याद दिलाती है, तू कहाँ कहाँ घूमा, वो पंच परावर्तन याद कर। हाँ, आदिनाथ भगवान की पूजा की जयमाला पढ़ लेना, आपकी पूरी लोट भावना अच्छे से हो जाएगी। चारो गति के माई जो दुखे पायो सो सुनो। हाँ, अभी पूरी नहीं सुना रहा हूँ, नहीं तो हम सुन लेंगे। फिर उसके बाद में बोधि दुर्लभ भावना, ग्यारहवीं भावना आपको बताई थी कि बोधि की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है, और उसमें भी चार शब्द दिए थे, योग, प्रयोग, पीड़ा और प्रेरणा। योग मिला है उसका प्रयोग कर लो, ये मनुष्य भव मिला है उसका पूरा का पूरा लाभ उठा लो, अन्यथा पीड़ा होगी अंतिम समय। हमने ऐसे भी देखे हैं जो फूट फूट कर रोते हैं, महाराज जिंदगी भर में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, केवल और केवल मात्र शुद्ध पाप कमाया। पाप भी महाराज शुद्ध होता है, हाँ बोलो। इसलिए आपको जब पैदा हुआ तब तू रोया और जग हंसा, अब ऐसी करनी कर जा कि अब तू हंसे और जग रोए, ऐसी करनी कर जाएगा तो फिर तेरी कोई चिंता की बात नहीं। जाते समय हम हंसेंगे और जग रोए कि हाँ जा रहे हैं, अब क्या करें। ठीक है ना, हाँ यहाँ से भी ठीक है। फिर उसके बाद में धर्म भावना, वो अंतिम धर्म भावना कहती है कि धर्म भावना की मैंने चार बातें की थी कि धर्म की भावना, धर्म की उपासना, धर्म की आराधना और धर्म की साधना। धर्म भावना भाना तो बहुत सरल है, लेकिन धर्म की साधना करना है। क्यों? क्योंकि आपको लाना कुछ नहीं है, केवल हटाना है। आपके अंदर में क्षमा है, हमारे अंदर में क्षमा है, लेकिन ऊपर में हमने क्रोध की परत चढ़ा ली। हमारे अंदर में वो मार्दव गुण है, हमारे में वो आर्जव गुण है, लेकिन मान और माया की परत चढ़ा ली। बस इन परतों को हटाना है तो ही हमारा वह धर्म भावना का बाना सार्थक हो जाएगा। बातें तो बहुत कुछ है, लेकिन 12 भावनाओं को संक्षेप में आपके सामने और नए परिप्रेक्ष्य में भी हमने आपके सामने रखा, बहुत ही अच्छा। इतना ही रखते हैं, समय भी हो गया। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि। पिछले विगत दिनों से लगभग 10 प्रवचन की एक श्रृंखला आप लोगों के बीच में रखी थी चारित्र के ऊपर, अपने खुद के अंदर के कैरेक्टर के ऊपर, अपनी खुद की पवित्रता निर्मलता के ऊपर। अब स्थान भी बदल रहा है, नए स्थान पे जाने तो नई श्रृंखला चालू करेंगे। तो आज उस जो 10 दिन का सार आप लोगों के बीच में थोड़ा थोड़ा दे देते हैं। आज जितने लोग बैठे हैं बड़े पुण्यशाली हैं, 10 दिन की वो क्या मलाई ले लेंगे आप, 10 दिन की मलाई आप लोगों के बीच में हम
रखते चले जाते हैं, जो अच्छा लगे उसको स्वीकार करते चलना। प्रारंभ चारित्र से करी थी, उदाहरण से प्रारंभ करी थी कि कोयल आम की डाल पर बैठे या कटीली बाड़ पर, उसकी आवाज़ में कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं भी बैठे वो। आम कचरे के ढेर पर उगे या बगीचे के उस बहुत सुंदर बगीचे की ज़मीन पर, उसकी मिठास में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुब्बारा लाल हो, काला हो, छोटा हो, बड़ा हो, कीमती हो, सस्ता हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पड़ता है उसके अंदर जो भरी हवा है, उसकी वो जो अंदर की हवा है वही उसको ऊर्ध्व यात्रा कराती है, ऊंचाइयों पर ले जाती है। तो गुब्बारे की ये लाक्षणिकता, ये वास्तविकता क्या कह रही है? वो ये कहना चाह रही थी कि दुनिया तुम्हें जिस रूप में पहचान रही है वो तुम्हारी इज्जत है। दुनिया तुम्हें जिस रूप में पहचान रही है वो तुम्हारी इज्जत है। अंतःकरण तुम्हें जिस रूप में पहचान रहा है वो तुम्हारा चारित्र है। अंतःकरण तुम्हें जिस रूप में पहचान रहा है वह तुम्हारा चारित्र है। इज्जत लाल काले पीले सफ़ेद गुब्बारे जैसी है, जबकि चारित्र गुब्बारे में भरी हुई हवा जैसा है। जबकि चारित्र क्या है? वो गुब्बारे में भरी हवा जैसा है। ऊर्ध्वगमन की यात्रा कराने वाला कौन है? तो अंदर की हवा है। इसलिए ध्यान रखना, वो अंदर का चारित्र तुम्हारी ऊर्ध्व यात्रा कराने वाला है। ऊपर की वेशभूषा, ऊपर का स्वरूप, ऊपर का ये सब कुछ नहीं कराने वाला है। ऊर्ध्व यात्रा अंदर की चारित्र कराने वाली है। इसलिए ध्यान रखना, ऊर्ध्वगमन करना चाहते हो तो चारित्र को जीवन में नंबर 1 पे रखना और इज्जत को नंबर 2 पर रखना। इज्जत की कोई परवाह नहीं करना, लेकिन चारित्र पर हमेशा दृष्टि बनाए रखना। कहीं मेरा चारित्र खराब तो नहीं हो रहा है, कहीं मेरे चारित्र में दाग तो नहीं लग रहा है, कहीं मेरे चारित्र अपवित्र तो नहीं हो रहा है। फिर उदाहरण दिया था पेंसिल का, बहुत अच्छा। पेंसिल क्या कह रही है? पेंसिल कह रही है मेरी ताकत मेरा रूप भी नहीं। वो पेंसिल बच्चों के पास तो होगी ना, देखी ना सबने पेंसिल। वो कह रही है मेरी ताकत मेरा रूप भी नहीं, मेरा कद भी नहीं, मेरा वजन भी नहीं। मेरी ताकत मेरे भीतर जो बैठा मेरा स्वतत्व है वो है। मेरी ताकत जो मेरा बेटर बैठा स्वतत्व है वह है। यदि वह सुरक्षित है तो मैं शक्तिशाली हूँ, और यदि वही गायब है तो मैं अनुपयोगी हूँ। वही गायब है तो मैं अनुपयोगी। इसलिए एक बात ध्यान रखना कि आपकी संपत्ति, आपकी सत्ता, आपका सौंदर्य, आपका सब कुछ क्या है? वो अंदर बैठा तत्व क्या? चारित्र है। पेंसिल भी यही करिए कि आपके अंदर अगर चारित्र निर्मल है, और वो कौन जान पाएगा? वो आपके सद्गुण, वो आपकी सच्चारित्र, वही आपकी सच्ची ताकत है, वही आपका सच्चा स्वरूप है। कितना सच्चा स्वरूप है वो तो आप जाने। फिर एक स्केल का उदाहरण दिया था, इंसान को देने में इतनी रुचि नहीं है, इंसान को देने में इतनी रुचि नहीं है, पाने में भी इतनी रुचि नहीं है जितनी रुचि नापने में है। क्योंकि जैसे स्केल से जमीन की लंबाई नापी जा सकती है, दीवार की ऊंचाई नापी जा सकती है, गड्ढे कुएं की गहराई वगैरह सब आप कैसे नाप सकते हो? बुद्धि रूपी स्केल आपके पास भी है। उस बुद्धि रूपी स्केल का उपयोग करने लगता है अधिकांश व्यक्ति, उसमें मात खा जाता है। मात ये खा जाता है, उस दिन हमने पूरे प्रवचन का विषय बनाया था कि मेरे द्वारा की गई नाप में की जाने वाली नाप की गलती, मतलब वो स्केल करिए वो गलत भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं। अगर किसी व्यक्तित्व को या किसी भी ऐसे शख्स को आपने अपनी बुद्धि के स्केल से एक बार अगर उसके चरित्र में गलत नाप लिया, तो वो जो गलत नाप लिया है वो गलत नाप आप अपने लिए गलत नाप कर रहे हो। क्योंकि वो आपने जो नापा है, हो सकता है आपकी दृष्टि खराब हो, परंतु उसके अंदर की जो भावना है वो खराब नहीं है। इसलिए अपने दिमाग के स्केल को हमेशा सुधार के रखना, जल्दी किसी पर क्या शंका मत करना, नहीं तो आपका चरित्र बिगड़ जाएगा। आप अगर नकारात्मक सोचोगे, उसके विषय में गलत सोचोगे, तो वो गलतियाँ आपके अंदर भी आ जाएगी। फिर बात करी थी कि शरीर सौंदर्य युक्त हो, बहुत सुंदर शरीर हो, तिजोरी संपत्ति से छलाछल भरी हो और अमाप सत्ता हो, जहाँ हाथ डालो वहाँ पर सफलता मिलती हो, ओजस्वी वक्तत्व कला हो और लेखन की शक्ति प्रबल हो, सब कुछ अच्छा हो, पुण्यदेय के शिखर पर आप स्पर्श करते हो, उस समय और उस स्थान में और उस वातावरण में अपने चारित्र को निष्कलंक बनाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। सबसे बड़ी क्या होती है? चुनौती होती है। क्योंकि फिर यही बात उसमें कही थी हमने उस दिन कि दूसरों की दृष्टि में जो मैं हूँ वो मेरी इज्जत,
दूसरों की दृष्टि में जो हूँ वो मेरी इज्जत, जबकि मेरी दृष्टि में जो मैं हूँ वो मेरा चरित्र, जबकि मेरी दृष्टि में जो हूँ वो मेरा चरित्र। इज्जत को हम दम से भी संभाल सकते हैं, दिखावे से भी संभाल सकते हैं, लेकिन चरित्र को जो है वो दिखावे से नहीं समझेगा, वो तो अंदर का सब कुछ है। और उस दिन चार प्रश्न और किए थे हमने कि हमारी दृष्टि में, पुनः वो चार प्रश्न, हमारी दृष्टि में अधिक प्रधानता किसकी है, इज्जत की या चरित्र की? हमारी दृष्टि में सबसे अधिक प्रधानता किसकी है, इज्जत की या चरित्र की? विचार करना, चिंतन करने के लिए आपको प्रश्न दे रहा हूँ। हम किस विषय में सावधान है, इज्जत को बचाने के विषय में कि चरित्र को संभालने के विषय में? सावधानी किस ओर है हमारी, इज्जत जा रही वहाँ कि चरित्र जा रहा है वहाँ? किसको संभालने में सावधान है? हमारा हृदय कब अधिक द्रवित हो जाता है, इज्जत की धज्जियाँ उड़े तब या चरित्र पर कलंक लगे तब? विचार करना है, तीसरा प्रश्न। चौथा है, हम अधिक आनंद में कब रहते हैं, इज्जत सुरक्षित रहे तब कि हमारा चरित्र सुरक्षित रहे तब? बताओ, क्योंकि निश्चित मान के चलना, उस दिन भी कहा था कि इज्जत हमारे शरीर का फोटो है, इज्जत हमारे शरीर का फोटो है, जबकि चरित्र हमारे शरीर का एक्सरे है। क्या है एक्सरे? एक्सरे अंदर की बात को बाहर लाके रख देता है। वो चरित्र अंदर का एक्सरे है, वो अंदर की अपवित्रता को, अंदर की पवित्रता को, अंदर की गंदगी को बाहर लाके आपके समक्ष रख देगा। इसलिए ध्यान रखना, एक्सरे क्या आना चाहिए, एक्सरे नेगेटिव ही आना चाहिए, आपका पॉजिटिव नहीं आना चाहिए। और जब आएगा, जब आपका चरित्र निर्मल रहेगा। उस दिन एक बात और कही थी, वस्त्र नंबर एक पर और अलंकार नंबर दो पर, यह यदि शरीर का गौरव है, क्योंकि वस्त्र के बिना जीवन नहीं है, अलंकार का क्या करोगे आप लोगों के लिए, तो वस्त्र नंबर एक पर, अलंकार नंबर दो पर, यह यदि शरीर का गौरव है, तो चरित्र नंबर एक पर और इज्जत नंबर दो पर, ये जीवन का गौरव है, ये जीवन का गौरव है। ध्यान, अगर जीवन के गौरव को बना के रखना है तो ध्यान रखना, हमें चरित्र को बचाए रखना होगा। और फिर उसके बाद अगले प्रवचन में कहा था, क्रिया विरहितम हनम हंतम ज्ञान अर्थकम, मतलब क्रिया से रहित अगर हमारा ज्ञान है तो कोई काम का नहीं, कोई मतलब का नहीं है, तो लेकिन क्रिया नहीं, क्रिया विहीन ज्ञान निरर्थक है। क्रिया होगी तो ही ज्ञान का, खूब सुन रहे हो, पर सुनने के बाद आपने कितना उसको माना, मतलब ज्ञान से ज़्यादा क्या है ज्ञान को मानना। और इसलिए हमने उस दिन कहा था, वही ज्ञान सच्चा है जो क्रिया में परिणत हो, वही ज्ञान सच्चा है जो क्रिया में परिणत हो, अगर क्रिया में परिणत नहीं है तो वह ज्ञान ज्ञान नहीं है। फिर कहा था, कैरेक्टर अर्थात सद्गुण चारित्र प्रतिष्ठा, और एक इंग्लिश की कारिका बोली थी उस दिन हमने, बहुत अच्छी कारिका लगी थी, वो बताई थी, कैरेक्टर में भी मैनिफेस्टेड इन द ग्रेट मोमेंट्स बट इट मेट इन स्मॉल ऑन्स। कहा था, इसका अर्थ ये दिया था कि चारित्र भले ही बड़े बड़े मौके पर प्रकट होता है, चारित्र भले ही बड़ी बड़ी कठिनाइयों से प्रकट होता है, परंतु उसका निर्माण तो छोटे छोटे प्रसंगों में ही होता है। हम जब छोटे छोटे से नियम लेंगे तभी एक दिन बड़ा चारित्र कर पाएंगे, एकदम मुनि नहीं बना जाता है, छोटे छोटे नियम लेते हैं तब वो मुनि बन पाता है। इसलिए छोटे छोटे नियम अगर लेते चले जाएंगे चारित्र संबंधित भी, तो एक दिन हम पूर्ण चारित्र को ग्रहण कर पाएंगे। गृहस्थ लोग लेते हैं ना नियम कि 10 दिन का व्रत, 15 दिन का व्रत, 20 दिन का व्रत, 25 दिन का व्रत, ये छोटे छोटे नियम एक दिन आपको बहुत ऊपर उठाते चले जाएंगे। और फिर उसके बाद हमने आपसे बात करी थी, मेरे साथ अगर तुलना करते तो उसमें हमने आपसे एक बात, एक बहुत अच्छी नौकरानी वाली कहानी बहुत बड़ी सुनाई थी, लेकिन उसका सार सुना देता हूँ। उस कहानी का सार ये था कि वो नौकरानी बड़ी प्रसन्न रहती थी, तो वो पूछ लिया सेठानी ने कि तू क्यों प्रसन्न रहती है, बहुत ध्यान से सुनना, सबके काम की सारभूत बात है उस कहानी की, तू क्यों प्रसन्न रहती है? तो नौकरानी ने एक ही बात बोली थी, मैं इसलिए प्रसन्न रहती हूँ कि मैं हमेशा अपने से नीचे वालों को देखती हूँ। त्याग क्या, मैं हमेशा अपने नीचे वालों को देखती हूँ, काय के मामले में, बोले संसार के मामले में, और बोले धर्म के मामले में हमेशा ऊपर वाले को देखती हूँ, तो मैं हमेशा प्रसन्न रहती हूँ। अगर मेरे से प्रसन्न रहना है तो आप मेरे से अपनी तुलना करना, अपने ऊपर वालों से तुलना मत करना। और त्याग धर्म तपस्या के मामले में किससे तुलना करना, अपने से ऊपर वाले से करना। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने जीवन में किया क्या है, कुछ नहीं किया है। तो निश्चित तौर से आप ये मान के चलना कि आप प्रसन्न रह पाएंगे, आप भी प्रसन्न रह सकते हैं। फिर उसके बाद अंत उस दिन प्रवचन की अंतिम लाइन थी उस दिन की, कि बल की जगत प्रशंसा करता है, बल की जगत प्रशंसा करता है, श्रीमंत की जगत
ईर्ष्या करता, पैसे वाले की जगत ईर्ष्या करता है, सफल की जगत स्पर्धा करता है, जो सफल होता है उससे हर कोई कंपटीशन करता है, पर विश्वास तो जगत चारित्र पर ही करता है, पर विश्वास तो जगत चारित्र पर ही करता है, ये बात करी थी। फिर आगे प्रवचन क्या था अपन ने, तो चारित्र की बात करी थी, तो क्या है चारित्र, बार बार चारित्र कर रहे थे, तो अपने अंतःकरण की अदालत में, काय की अदालत में, अपने अंतःकरण की अदालत में मानो निर्दोष साबित हो और जगत की अदालत में मानो विश्वास पात्र साबित हो, वह है चारित्र। क्या चारित्र है? अपने अंतःकरण की अदालत में मानो निर्दोष साबित हो, क्योंकि तो आप ही जानोगे वो आपके अंतरंग में क्या चल रहा है, हम नहीं जानेंगे कि आपने किस निगाह से किसको देखा है, वहां आप निर्दोष साबित हो और जगत की अदालत में आप विश्वास पात्र साबित हो, यह है चारित्र। उस दिन चारित्र पर अपन ने ये वाली बात करी थी, उसको बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया खोला था, और उसमें और अंत में ये वाली बात बोली उस प्रवचन में कि दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक है ये बाहरी वातावरण और एक अंतरंग। परंतु क्या है कि ये जो हमारा अंतरंग है, कैसा, राम और रावण के बीच में जो युद्ध का समय था निश्चित था, मर्यादित था, है ना, कितनी बजे, 9 बजे होता होगा और शाम को 5 बजे बंद हो जाता होगा, मर्यादित था। कंस और कृष्ण के बीच में जो युद्ध था वो भी मर्यादित था, दुर्योधन और अर्जुन के बीच में जो युद्ध था वो भी क्या था, मर्यादित था। पर मन और अंतकरण के बीच का समय अमर्यादित है, रात भर भी दिन भर भी हमेशा हमारा मन उद्वेलित होता रहता है, वो देखा अभी है और विचार रात में सपने में भी नहीं छोड़ते हैं, ये चारित्र की अमर्यादित अवस्था होती है। क्या वो युद्ध करता रहता है, परिणामों के साथ खेलता रहता है और ना चाहकर भी वो अपने आप को पाप के गड्ढे में डालते रहता है, इसलिए उस अंतरंग के युद्ध से बचना, इसका समय निश्चित नहीं है। उन युद्धों को था फिर भी समय निश्चित था। और फिर एक बात कही थी, इतना ही कहा था कि हमारी अपनी परछाई भी यदि हम प्रकाश हो तो ही देख सकते हैं, बिना प्रकाश में आप अपनी परछाई नहीं देख सकते, प्रयास कर लेना देखने का, देख पाओगे क्या, अंधेरे में परछाई नहीं देख पाओगे। फिर उसी प्रकार हमारी अपनी कमजोरी भी, हमारी अपनी कमजोरी भी हमारे पास जब तक जिन वाणी माँ का ज्ञान गुरुओं की सन्निधि नहीं होगी, उनका प्रकाश नहीं होगा, तब तक हम नहीं देख पाएंगे, तब तक हम नहीं देख पाएंगे। तो गुरु की वाणी, गुरु की सन्निधि और माँ जिनवाणी का साथ होगा तभी हम उस प्रकाश में अपने आप की वो अंदर की परछाई को देख पाएंगे, अन्यथा नहीं देख पाएंगे।